नमस्कार, स्वागत है आप सभी मित्र जनों का फिर से ज्योतिष सीखिए या फलादेश सीखिए सीरीज में। आज मैं एड्स से संबंधी यानी यौन रोग के बारे में कुछ बात करूंगा। और एड्स काफी भयावह रोग माना जाता है। मैं आप लोगों को पहले ही वार्न कर देता हूं कि इसमें बताए हुए किसी भी कॉम्बिनेशन को अपनी कुंडलियों में देखते ही कूदने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है। ये वीडियो मैं लर्निंग पर्पस से डालता हूँ, लर्निंग पर्पस से डाल रहा हूँ। अवश्य ही किसी अच्छे और मंझे हुए ज्योतिष से जानकारी लेने की आपको जरूरत है। और सबसे पहली और आखिरी बात मैं यहाँ कह दूं कि ऐसे मामलों में आपको डॉक्टर की शरण में और डायग्नोस्टिक सेंटर की शरण में जाने की जरूरत है। ज्योतिष कुछ नहीं कर सकता और ज्योतिष 100% आपको फाइनल बता भी नहीं सकता कि ये रोग आपको है ही। ये कुछ कॉम्बिनेशन है, अगर ये कॉम्बिनेशन कहीं नजर आते हैं तो निश्चित तौर पे आप चेकअप कर सकते हैं, लेकिन ज्योतिष के पास जाकर नहीं, यानी मुझ तक आने की जरूरत नहीं है, मुझसे या किसी भी ज्योतिष से बात करने की जरूरत नहीं है, डॉक्टर की शरण में जा सकते हैं। अब चूंकि ये यौन रोग है, यौन रोग सदियों से लोग छुपाते हैं, इसीलिए सार्वजनिक शौचालयों में इसकी फोटोएं एडवर्टाइज लगे होते हैं कि इंसान वहां चुपचाप देख ले और हकीम बाबा जी से संबंध बना ले या संपर्क कर ले। तो खैर वो तो दूसरा मसला है, मैं यहाँ लर्निंग पर्पज से बता रहा हूँ। और लर्निंग पर्पज में ये मुख्य चीज है कि ये जो कॉम्बिनेशन मैं बताऊंगा, ऐसे कॉम्बिनेशन होने से आपको समस्या यौन रोग से संबंधी कुछ हो सकती है, जिसमें संभावित एड्स होने की भी संभावना बनती है। नॉर्मली आप जानते ही हैं, मेडिकली असुरक्षित यौन संबंध आपको रोगों की तरफ ढकेल देता है, भले एड्स ना सही किसी ना किसी रोग के चक्कर में आपको डाल देता है। यहाँ नैतिकता का प्रश्न आ सकता है कि आप फिर सुरक्षित यौन संबंध बनाने को कह रहे हैं। जी नहीं, सुरक्षित यौन संबंध भी बहुतों के साथ नहीं बनाने चाहिए, या आपको बनाने ही नहीं चाहिए। पत्नी के अलावा जीवन में एक नारी ब्रह्मचारी के सूत्र पे हमारे शास्त्र हमेशा आपको चलाने की कोशिश करते रहे हैं, लोग मानते नहीं है वो अलग बात है। तो चलिए हम ज्योतिष के कॉम्बिनेशन पे बात करें। ज्योतिष शास्त्र में शुक्र शनि मंगल और राहु की युति का दोष कारण संबंध होने से एड्स की संभावना बन जाती है। यदि लग्नेश चतुर्थ भाव में हो, चतुर्थ भाव यानी ये फोर्थ हाउस में हो, चतुर्थ भाव एवं सप्तम भाव मंगल और राहु शनि से प्रभावित हो तो भी ये रोग होने की संभावना आपको बनती है। तो दो ही कुंडलियां उदाहरण के लिए आपके सामने रखी हैं, बाकी मैं कॉम्बिनेशन बताऊंगा, आप लोग ध्यान से सुने और जरूरत पड़े तो आप कॉम्बिनेशन जो मैं बताऊंगा आप अपने सामने कागज पर लिख भी सकते हैं। तो पहली कुंडली उदाहरण के तौर पे आपके सामने रखी है मिथुन लग्न की। तो यहाँ मुख्य मुद्दा लग्न नहीं है, मुख्य मुद्दा जो है द्वितीय षष्ठेश और पाप ग्रह इत्यादि है। तो नॉर्मली यहाँ ये देखिए कि लग्न में अगर द्वितीय, क्योंकि मिथुन लग्न में चंद्रमा द्वितीय होता है और लग्न में षष्ठेश मंगल षष्ठेश होता है मिथुन लग्न में, और सप्तमेश लग्न में यानी दोनों मारक और रोगेश यहाँ लग्न में बैठ जाए, और शुक्र जो कि यौन रोगों का मुख्य कारक प्लैनेट शुक्र ही है शुभ और अशुभ दोनों के लिए, शुभ है तो अच्छा है, अशुभ है तो शुक्र जरूर अशुभ होगा, ऐसे किसी भी प्रकार के रोग के संबंध में एड्स हो या यौन रोग से संबंधी कोई बात हो तो शुक्र खराब जरूर होगा। शुक्र अगर खराब नहीं है आपकी कुंडली में तो चिंता ही छोड़ दीजिए। आप अपनी कुंडली में देख रहे हैं कि शुक्र बहुत अच्छी अवस्था में है, अच्छी जगह प्लेसमेंट में है, क्योंकि अष्टम भाव मैंने प्लेसमेंट इसलिए दिखाया कि सबसे वर्स्ट प्लेसमेंट है बीमारी के लिए। हालांकि शुक्र अष्टम में शुभ फल देता है लेकिन बीमारी के लिए शुभ नहीं। तो मुख्य बात यह है कि शुक्र के साथ अगर पाप ग्रह बैठ जाए, शनि जैसा पाप ग्रह बैठ जाए या मंगल जैसा पाप ग्रह बैठ जाए या राहु बैठ जाए तो शुक्र खराब हो जाता है। द्वादश में भी अगर शुक्र राहु या शनि की स्थिति बनती है, युति या कंजंक्शन बनता है तो ये स्थिति बन सकती है। तो शुक्र प्राइम पॉइंट है, ये ध्यान रखिए। और यौन रोग निश्चित तौर पे यौनांगों पे होते हैं तो अष्टम भाव बहुत प्राइम भाव है इस मामले में। अष्टम भाव पे जितने पाप ग्रहों का प्रभाव होगा
उतना ज्यादा आपको चिंताजनक स्थिति बन सकती है। और शुक्र प्राइम ग्रह है, ये याद रखिए। दूसरी स्थिति आपके सामने है कि लग्नेश और षष्ठेश, लग्नेश शुक्र है यहाँ और षष्ठेश जुपिटर है, ये दोनों अगर पाप ग्रह के साथ है, शनि हो पाप ग्रह या मंगल हो पाप ग्रह, तो ही स्थिति चिंताजनक हो सकती है, संभावित एड्स का खतरा आप पे मंडरा सकता है। तो अगर ऐसी स्थिति है तो निश्चित तौर पे आप अवैध संबंधों और असुरक्षित यौन संबंधों से सावधान रहें। लग्नेश शुक्र शनि के साथ अष्टम में बैठ जाए, द्वादश में बैठ जाए, षष्ठेश के साथ मंगल, तो भी स्थिति खराब होती है। लग्नेश पे पाप ग्रहों की दृष्टि हो, यानी लग्नेश कोई भी हो, मेष से लेकर मीन के भीतर सात ग्रहों में से कोई भी एक लग्नेश हो, उस पे अगर पाप ग्रह की दृष्टि और पाप ग्रहों की युति बन जाती है तो भी संभावित रोग की स्थिति बनने लगती है। शुक्र प्राइम ग्रह है, ये याद रखिए। शुक्र अगर खराब है तो आप आगे बढ़े इस मामले में सोचने को कि स्थिति आपकी यौन रोग से संबंधी कोई समस्या आपको हो सकती है। तृतीय भाव, षष्ठ भाव, सप्तम भाव या द्वादश भाव, यहां पर शुक्र या द्वितीय द्वादश भाव में बैठ जाए और उस पे अगर पाप ग्रहों की दृष्टि हो तो भी संभावित रोग होने की संभावना बनती है। दूसरा प्राइम पॉइंट जो बिंदु जो है वो है अष्टम, अष्टम भाव। अष्टमेश अगर राहु के साथ कंजंक्शन बना ले या राहु द्वारा दृष्ट हो जाए, यानी राहु की दृष्टि उस पे पड़े, तो भी संभावित रोग होने की स्थिति बनती है। सप्तम भाव में शुक्र बहुत ज्यादा दोषी अगर हो तो, दोषी शुक्र कैसे समझेंगे, पाप ग्रहों की दृष्टि हो, पाप ग्रहों के कंजंक्शन में हो, शुक्र खुद राहु शनि के नक्षत्र में हो, शुक्र खुद षष्ठेश अष्टमेश या द्वादशेश के नक्षत्र में हो, तो आपको ये समझना होगा कि शुक्र पापी है और शुक्र दोष कारक हो गया है। षष्ठेश अष्टमेश और नवमेश यानी 6-8-9 का लॉर्ड पाप युक्त यानी पाप ग्रह के साथ कंजंक्शन बना रहा हो या पाप ग्रहों द्वारा दृष्टि प्राप्त कर रहा हो तो भी ये स्थिति आपके लिए बनती है। जन्म कुंडली में लग्न कोई भी हो, शुक्र और बुध अगर यहाँ सप्तम भाव में हो या दशम भाव में हो, या शुक्र और मंगल सप्तम भाव में हो, या शुक्र और मंगल दशम भाव में, या शुक्र और मंगल चतुर्थ भाव में हो, यहां मैं ग्रह नहीं बैठा रहा शुक्र मंगल को, शुक्र तो यहाँ ऑलरेडी है और ग्रह पहले ही बैठे हुए हैं, मैं सिर्फ ये गोलाकार आपको बना के इस भाव की तरफ आकर्षित कर रहा हूं कि अगर इस भाव में शुक्र मंगल हो चतुर्थ भाव में तो ऐसी स्थितियां बन सकती। यदि सप्तमेश पंचमेश दोनों एक साथ कंजंक्शन बनाए लग्न और इन पर यानी लग्न में बैठे हुए सप्तमेश और पंचमेश पे लग्न में बैठे हुए दोनों ग्रहों पर पाप ग्रहों की दृष्टि हो, शनि दृष्टि दे रहा हो, राहु दृष्टि दे रहा हो, मंगल दृष्टि दे रहा हो, तो भी ये रोग होने की संभावना बन जाती है। विशेष करके द्वादश भाव की दृष्टि अगर पड़े तो भी ये रोग की संभावना बनती है। कारण मैं यहाँ थोड़ा सा स्पष्ट करता हूं, सप्तमेश पंचमेश 7 और 5 का योग, पंचम भाव प्रेमिका, सप्तम भाव पत्नी और लग्न में बैठना, ऐसा जातक मतलब बहुत ज्यादा प्रेम संबंधों में इन्वॉल्व होता है। द्वादश जो है बेडरूम प्लेजर को इंगित करता है। अब इस द्वादशेश की दृष्टि अगर पड़ती है किसी भी भाव से तो जातक यौन सुख लेने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाता है, तो ऐसा व्यक्ति तो रोगग्रस्त होगा, सिंपल सी बात है। ऐसा ही एक और कॉम्बिनेशन पंचमेश और सप्तमेश, ये दोनों एक साथ अगर एकादश स्थान में बैठ जाए और तृतीयेश जो है यानी तृतीय भाव का जो लॉर्ड है कहीं से भी बैठकर इस एकादश स्थान पे पंचमेश और सप्तमेश पे अगर दृष्टि दे तो भी जातक रोगी हो सकता है। कारण यह है कि पंचमेश सप्तमेश का कॉम्बिनेशन का फल मैंने आपको बताया ही, एकादश में बैठ जाना और भी प्राप्ति ज्यादा की इंडिकेशन करता है, और तृतीयेश मतलब साहस के द्वारा वो ऐसी घटनाएं करेगा, तो जबरदस्ती वो
यौन सुख लेने के लिए अपराध भी कर सकता है, इंडिकेशन ऐसा ही बनता है, तो ऐसे रोग की संभावनाएं बन जाती। सबसे बड़ी चीज है कि संयमी जीवन जीना बहुत जरूरी होता है एक जातक को, एक इंसान को अपने जीवन में। तो ये था संभावित एड्स रोग के लक्षण कुंडली में बैठे हुए ग्रहों के द्वारा। इसको मैं और लंबा नहीं खींच रहा, और साथ ही ये फिर मैं दोबारा कहना चाहता हूं, कॉम्बिनेशन होते ही डरना नहीं है। अगर आप असुरक्षित यौन संबंध या इस तरह की हरकतें ही नहीं करते हैं तो डरने की जरूरत नहीं है। हाँ, आजकल ब्लड वगैरह, ब्लड सैंपल, ब्लड अगर आपको चढ़ा है, खून आपने अगर लिया है किसी दुर्घटना में पड़ने के बाद, तो निश्चित तौर पे आपको एक बार चेकअप करवा लेने की जरूरत है। अगर कुंडली में कॉम्बिनेशन भी आपको लगता है और शुक्र अगर आपको खराब अवस्था में लगता है, तो निश्चित तौर पे डॉक्टर के पास जाइए, चेकअप करवाइए। ज्योतिष के पास समय मत खराब करिए, मैं आपको पहले ही कह दे रहा हूं। इस मामले में या किसी भी रोग से संबंधी मामले में ज्योतिषियों के पास पैसा बर्बाद मत कीजिए। ये कॉम्बिनेशन आपको लर्निंग पर्पस से बताए जा रहे हैं, आपको डराने के लिए नहीं बताए जा रहे। और जबकि मैं खुद ही कह रहा हूं कि ज्योतिष के पास मत आइए, तो आप समझ सकते हैं कि मैंने कोई क्लाइंट पकड़ने के लिए भी ये कॉम्बिनेशन बनाने की जरूरत नहीं समझी है। यानी ये कॉम्बिनेशन जो मैं बता रहा हूँ रोग से संबंधी या संभावित रोगों की कुंडलियां, आप लोगों को लर्निंग पर्पस से और सावधान होने की पर्पस से बता रहा हूँ। मेरा उद्देश्य इस पर्पस में खास करके मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के क्षेत्र में क्लाइंट पकड़ना बिल्कुल नहीं। हाँ बिल्कुल, क्लाइंट तो मुझे चाहिए कुंडली देखने के लिए, अपनी संभावित अच्छे बुरे समय को जानने जांचने के लिए, लेकिन रोग से संबंधी जब भी कोई बात है ज्योतिष के पास समय और पैसा दोनों बर्बाद मत कीजिए। तो इजाजत दीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर भी जरूर कीजिएगा, और जो मित्र जुड़े हुए हैं उन सबका मैं धन्यवाद करता हूँ फिर से एक बार। थैंक यू।